जैसे ही शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के कमरे में गया, तब शाइस्ता खान शिवाजी महाराज का तेज वाला मुख, चेहरे पर शौर्य और आंखों में गुस्सा देखकर शाइस्ता खान इतना ज्यादा डर गया कि वो खिड़की से भागने लगा। ये बात है सन 1659 की, जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज पर काबू पाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार घोषित कर दिया और 1660 से शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। यहाँ पर गाइस एक बात मैं बता देता हूँ कि शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख की फौज से शिवाजी महाराज के राज्य में 3 साल तक लूटमार करके महाराज के राज्य को तबाह कर दिया था और उस समय शिवाजी महाराज की सेना भी बहुत कम थी, इसलिए शाइस्ता खान से ठीक तरीके से मुकाबला भी नहीं कर पाती थी। लेकिन 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 जब 1663 में ये बात का पता चला कि शाइस्ता खान अपनी फौज के साथ लाल महल में रुका हुआ है, तो उसी दिन शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि अब तो शाइस्ता खान गया। और गैस आप लोगों को ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि शिवाजी महाराज ने बचपन और जवानी का काफी समय लाल महल में गुजारा था, इसलिए महाराज इस महल के कोना कोना से वाकिफ थे। तो अब दिन आता है 6 अप्रैल 1663 का। उस दिन शिवाजी महाराज ने सिर्फ 400 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के डेरे की ओर चल बसे और रास्ते में जो पहरेदार मिलते थे उसे शिवाजी महाराज कहते थे कि हम मुगल फौज के ही सिपाही है, हमें अंदर जाने दो। ऐसे करते करते वो शाइस्ता खान के डेरे तक पहुंच गए। और गाइस हैरानी की बात यह है कि शाइस्ता खान के डेरे में पहुंचकर पहले तो शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने कुछ देर तक आराम किया और कुछ समय के बाद शिवाजी महाराज के सैनिकों ने शाइस्ता खान के पहरेदार जो बाहर खड़े थे उसको मार दिया और इस हड़बड़ी में शाइस्ता खान सावधान हो गया। और जैसे ही शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के कमरे में गया, तब शाइस्ता खान शिवाजी महाराज का तेज वाला मुख, चेहरे पर शौर्य और आंखों में गुस्सा देखकर शाइस्ता खान इतना ज्यादा डर गया कि वो खिड़की से भागने लगा। लेकिन जब शाइस्ता खान खिड़की से भाग रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई और शाइस्ता खान के हाथों की 3 उंगलियां काट दी। तो दोस्तों इस घटना के बाद शाइस्ता खान इतना ज्यादा डर गया था कि वो इस घटना के बाद अपनी फौज को लेकर दिल्ली भाग गया। सो गाइस ये थे हमारे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी। और गाइस अभी तक आप लोगों ने महाराणा प्रताप का ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप का ये वीडियो जब आप देखना चालू करोगे तब गारंटी देता हूँ स्टार्टिंग में ही आपकी आंख में से आंसू निकल जाएंगे।